अखिल भारतीय साहित्य संस्था कलांजलि के स्थापना दिवस और बसंत पंचमी के आगमन पर मथुरा के बालाजीपुरम स्थित आरबीएस नेशनल पब्लिक स्कूल में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती के समक्ष हवन यज्ञ में आहुतियां देकर सुख शांति की कामना की। हवन यज्ञ के पश्चात संस्था कलांजलि के द्वारा डॉक्टर विवेक निधि द्वारा रचित पुस्तक जीवन चक्र का लोकार्पण कवि कमल इलाहाबादी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर संतोष कुमार ने की। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का डॉक्टर विवेक निधि द्वारा पटुका पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान बालाजीपुरम के पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह, पत्रकार भोलेश्वर उपमन्यु और डॉक्टर अजय आचार्य आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संदर्भ में मुख्य अतिथि कमल इलाहाबादी द्वारा जानकारी दी गयी। कमल इलाहाबादी कार्यक्रम यहाँ हवन पूजन कराया गया, काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, साथ ही साथ हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर उमराव के शुभ निधि जिनकी पुस्तक जीवन चक्र का लोकार्पण हमारे हाथों से होना था, तो मैं इसके लिए जो यहाँ निमंत्रण किया गया था। जो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने अपनी उपस्थिति दी और साथ ही हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर संतोष कुमार, इंजीनियर संतोष कुमार जी, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक बच्चों को अर्पित की जो है, उनके ज्ञान को देखते हुए, उनके जिस आप बोलने के प्रति जिज्ञासा को देखते हुए जो है। आजकल बच्चों के अंदर इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है पोएट्री के प्रति, क्या कहना चाहेंगे? पोएट्री का इंटरेस्ट खत्म होने का मतलब ये है कि स्कूल में बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि पैदा की जाए, जिस हिसाब से इंग्लिश को बढ़ावा मिल रहा है, अदर भाषाओं को बढ़ावा मिल रहा है, वैसे इसी तरीके से अपनी हिंदी को जो है आगे ले जाने के लिए बच्चों में एक अभिरुचि पैदा की जाए। तरह तरीके जैसे इस तरीके से काव्य गोष्ठियाँ हैं आयोजित की जाएं और बच्चों को प्रोत्साहन के लिए उनको प्रस्तुति देने पर उनको नामांकित किया जाए, सम्मानित किया जाए, तो बच्चों के अंदर रुचि आएगी, अभिरुचि आएगी, तो बच्चे हिंदी के प्रति जागरूक भी होंगे और इन सब चीज़ों से उनके अंदर एक अलग तरीके की भावना आएगी जो समाज के लिए जो है बहुत ही अच्छी होगी।